हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। 2022 में जो भी विद्यार्थी हैं जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, परीक्षा देंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रहा है। ऑफिशियल यहां पर बिहार बोर्ड की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें यह जानकारी दिया गया है कि जो 17/2/2022 से 24/2/2022 तक जो परीक्षा होगी, जो सैद्धांतिक परीक्षा होना है, उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो यहां पर आपको बताते चले, मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 20/1/2022 से 22/1/2022 तक आयोजित होने वाले प्रायोगिक परीक्षा, ठीक है, तो यहाँ से 20/1/2022 से 22/1/2022 तक जो परीक्षा होगी वो प्रायोगिक परीक्षा होगी, और सैद्धांतिक परीक्षा आपका यहाँ पर 17/2/2022 से 24/2/2022 तक होगा, जिसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है स्टूडेंट्स के लिए और जो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए, दोनों के लिए मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए अपने पीसी स्क्रीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं संपूर्ण जानकारी विस्तार से। इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए डाउनलोड कैसे करते हैं सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने पीसी स्क्रीन पर, और गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च बार में टाइप करना है आपको BSEB। सिंपली आप मोबाइल से भी कर रहे हैं तो डेस्कटॉप वर्जन में BSEB लिख कर सर्च बार पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का ये जो साइट है वो देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं और बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। आ चुके हैं हम फ्रेंड्स बिहार बोर्ड online.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देख सकते हैं कुछ इंटरफेस ऐसा आपको दिखेगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे तो आपको क्लिक हर टू लॉग इन फॉर सेकेंडरी स्कूल वेयर स्कूल कैन फिल रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, आपने करना क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस में बहुत सारे नोटिस दिया गया है। सबसे ऊपर में ही आपको मिल जाता है रजिस्ट्रेशन एंड एडमिट कार्ड, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एग्जाम ईयर्स 2022, ठीक है। यहाँ पर आपको व्यू प्रिंट एडमिट कार्ड बाय स्टूडेंट फॉर एनुअल एग्जाम 2022, और यहाँ पर आपको व्यू प्रिंट एडमिट कार्ड बाय स्कूल फॉर एनुअल एग्जाम। स्कूल वाले जो अगर स्कूल से लेना चाहते हैं तो स्कूल वाले किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर तो उनका सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। जो सभी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्कूल जो भी होगा वो सेलेक्ट करके प्रिंसिपल हेडमास्टर के पास यूज़र आईडी होता है, वो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और इस कैप्चे को यहाँ पर फिल करके लॉगिन करके एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करके विद्यार्थी को दे सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर चाहे खुद से डाउनलोड करना, तो स्टूडेंट अगर खुद से डाउनलोड करते हैं तो उसको फिर स्कूल में ले जा करके आपको मुहर और सिग्नेचर हेडमास्टर से करवाना ही होगा। तो बेहतर है कि आप स्कूल में ही जाइए और वहीं से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर लीजिए। फिलहाल चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट वाले पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 404 का यहाँ पर इरर मैसेज आ रहा है। बिहार का साइट है तो इस तरीके से होता ही रहता है। तो यहाँ से आप स्टूडेंट हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन टेम्प्रोरी ये अभी इस पर काम चल रहा है। तो इस तरीके से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और अभी तक आपने नहीं लिया तो जाकर के स्कूल से अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए, ठीक है। चूंकि स्टूडेंट वाला यहाँ पर कब से चालू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी हो सकता है रात में सही होता है, कभी दिन में खराब हो जाता है, तो इसकी गारंटी नहीं, इसीलिए आप जाकर के अपने स्कूल से जो एडमिट कार्ड है उसको प्राप्त कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अच्छे मार्क्स लाएँ और अच्छे परसेंटेज से यहाँ पर पास करें, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।